इंदौर के खजराना और बाणगंगा में दो मासूम बच्चियों की जलने से मौत हो गई। दोनों अपने घरों में नहाने के लिए रखे गर्म पानी से झुलस गई थी। उन्हें उपचार के लिए MY में भर्ती कराया गया था, जहां रात में दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। 1.5 वर्षीय सोनिका के पिता राजू लोंगरे ने बताया कि 7 जनवरी के दिन उनकी पत्नी ने नहाने के लिए पानी गर्म किया था। इसके बाद उसे बाथरूम के पास बाहर की तरफ रख दिया। इस दौरान सोनिका खेलते हुए वहां तक आ गई और गर्म पानी के बर्तन में हाथ डालकर उसे उड़ेल दिया। बच्ची को गंभीर हालत में झुलसने के चलते अस्पताल लेकर आया गया। यहां रविवार रात उसने दम तोड़ दिया। मूल रूप से हरदा के पास अजनाद के रहने वाले पिता राजू के मुताबिक उनकी एक बेटा और 3 बेटियां हैं, जिसमें सोनिका सबसे छोटी है। वह मकान निर्माण के काम से जुड़े हुए हैं। कुछ साल पहले परिवार को लेकर काम के सिलसिले में इंदौर आ गए थे। बाणगंगा के भगिया इलाके में रहने वाले राकेश चौकसे की 3 वर्षीय बेटी लव्या भी 5 जनवरी की सुबह जल गई थी। उसे भी उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां लव्या ने भी रविवार देर रात दम तोड़ दिया। पिता ने बताया कि लव्या अपने भाई दीपक के साथ खेल रही थी। लव्या की मां ने उसके लिए गर्म पानी की रॉड लगाई थी। रॉड निकालने के बाद वह बर्तन एक तरफ रख कर दूध गर्म करने किचन में चली गई थी। इस दौरान लव्या ने दोनों हाथ बर्तन में डाल दिए। पीछे हटते ही पानी उसके ऊपर आ गया। उसे गंभीर हालत में एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर पहुंचे थे। राजेश के मुताबिक वह मूल रूप से देवास के रहने वाले हैं। करीब 12 साल पहले इंदौर आकर बस चुके हैं। मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लव्या उनकी इकलौती बेटी थी।